एक बार कोविड होने के बाद फिर इन्फेक्शन हो सकता है या नहीं वेरी गुड वेरी गुड क्वेश्चन दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे मुझे लास्ट ईयर अगस्त में थोड़ा फीवर आया था और पाँच दिन तक लॉस्ट ऑफ टेस्ट और स्मेल था क्या वो कोविड का इन्फेक्शन था uh, क्या मुझे इन्फेक्शन हो चुका है और पता नहीं चला ओके okay. और राइट देखिए रितुराज जी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है हर रोज़ मुझे इतने सारे पेशेंट्स के कॉल आते हैं और पेशेंट्स मुझे वार्ड में भी पूछते हैं आईसीयू में भी पूछते हैं क्या एक बार हमको कोविड का इन्फेक्शन हो गया तो इसका मतलब हमको इन्फेक्शन नहीं होगा या हमको री इन्फेक्शन हो सकता है वेरी वेरी शॉकिंग न्यूज़ येस आपको री इन्फेक्शन हो सकता है कैसे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको जब कोविड स्टार्ट हुआ था उस वक्त अगर आपको इन्फेक्शन हुआ है तो वो कोविड का वायरस जो वुहान वायरस है जो चाइना का जो ओरिजिनल वायरस है नॉट चाइना एंड ओरिजिनल, इज रियली कॉन्ट्रेडिक्ड कॉन्ट्राडिक्ट्री बट एनी वे चाइना का जो ओरिजिनल वायरस है वूहान का उसकी वजह से सबको इन्फेक्शन हुआ था और उसके बाद उसके बहुत सारे ऐसे म्यूटेंट वेरियंट्स हुए हैं जैसे यू के वेरिएंट है उसके बाद आई थिंक साउथ अफ्रीकन वेरियंट था लेकिन अभी जो सबसे खतरनाक वेरियंट है वो है इंडिया का येस yes, इंडिया का म्यूटेंट वेरियंट जो है ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वेरियंट है और ये सभी कोविड वायरसेस के म्यूटे म्यूटेटेड वर्जन्स में से मोस्ट फास्ट स्प्रेडिंग हाईली इन्फेक्शस और हाईली डेंजरस है एज़ कम्पेयर टू द अदर वायरसेज विच वर इन्फेक्टिंग एस ओके अदर वर्जन ऑफ कोविड वायरसेज विच वर इन्फेक्टिंग एस तो यस कोविड का री इन्फेक्शन हो सकता है आपको uh, आपको कोविड का ट्रीटमेंट चल रहा है ट्रीटमेंट आपका ख़त्म हो जाता है उसके दस दिन के बाद भी हो सकता है पंद्रह दिन के बाद भी हो सकता है वन मंथ के बाद भी हो सकता है एंड वन मोर शॉकिंग न्यूज़ आप वैक्सीन का फर्स्ट डोज लेते हो उसके बाद भी आपको कोविड का इन्फेक्शन हो सकता है वैक्सीन ले लिया मतलब छुटकारा नहीं है वैक्सीन लेने के बाद भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है वैक्सीन का फर्स्ट डोज लेने के बाद आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनना स्टार्ट होते हैं उसके बाद जब आप सेकेंड डोज लेते हो फिर तब और एक बूस्टर मिलता है आपकी बॉडी को एंटीबॉडीज़ बनने के लिए सेकेंड डोज के सिक्सटी डेज़ के बाद इट्स अ वेरी वेग डेटा अभी तक कंफर्म डेटा नहीं है लेकिन ये कहते हैं कि वैक्सीन का सेकेंड डोज के बाद 60 70 60 टू 70 70 डेज या दिनों के बाद थोड़ी बहुत इम्यूनिटी आ जाती है लेकिन तब तक कोई दूसरा म्यूटेंट वेरिएंट नहीं आना चाहिए ओके तो ये आप ध्यान रखिए बहुत सारे लोगों को कोविड आरटीपीसीआर के सिम्टम्स सॉरी कोविड के सिम्टम्स बहुत ज्यादा होते हैं लेकिन वो लोग आरटीपीसीआर करते हैं और रिपोर्ट नेगेटिव आता है इस पर मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाया है चैनल पे वो इसलिए है अगेन ये इसकी वजह से ही है कि इंडिया का जो म्यूटेंट वेरिएंट है कोविड का वो इतना अलग है और हाईली डेंजरस है कि हमारे जो आर टी पी सी आर किट है वो इतने अपडेटेड नहीं है और वो उसमें सिर्फ चाइना का जो वुहान वायरस है उसको डिटेक्ट करने के लिए किए गए हैं तो अभी का जो म्यूटेंट वेरियंट है उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते तो पेशेंट को लगता है आर टी पी सी आर मेरा नेगेटिव है तो नॉर्मल मुझे सर्दी जुकाम है और वो लोग ऐसे ही घूमते रहते हैं और दूसरों को इन्फेक्शन फैलाते हैं तो प्लीज अगर आपको इस तरह के कोविड के कोई भी सिम्टम्स हैं तो एकदम आर टी पी सी आर तो कराना ही है लेकिन उसके ऊपर 100% डिपेंड मत रहिए बहुत सारे ऐसे फॉल्स नेगेटिव और फॉल्स पॉजिटिव कोविड आरटीपीसीआर भी आ रहे हैं भी फॉल्स पॉजिटिव क्यों आता है उस पर अलग में वीडियो बनाऊंगी ओके फॉल्स नेगेटिव बहुत ज्यादा आते हैं